चलिए तो नमस्कार किसान भाई लोग, एक बार फिर से ईट छतरी यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आप सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो पर बताया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 10वां किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में नए साल के तोहफे के रूप में आने वाला है। यानी कि 1 जनवरी 2022 को किसानों के बैंक खाते में पैसे पहुँचने वाले हैं। लेकिन भाई इससे पहले ऐसे कई किसान हैं जिनको जैकपॉट लगने वाला है, कहने का मतलब 2000 के जगह 4000 रुपये मिलने वाले हैं। तो जानेंगे आज के वीडियो में क्या है पूरा मामला। तो भाई देखिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग, और हमेशा की तरह गुजारिश है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए तो किसान को शुरुआत से शुरू करते हैं। आज है साल का अंतिम दिन और आप सभी लोगों को एडवांस में 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। तो चलिए कल यानी कि नया दिन नया साल और नया सवेरे में किसानों को तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। विधि दिन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में वो बताया गया कि नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करेंगे। वहीं दूसरी ओर किसान भाई लोग इस मौके पर करीब 350 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपये का इक्विटी ग्रांट भी जारी की जाएगा। ये किसान कृषक उत्पादक संगठन से है, कहने का मतलब FPO किसान के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं किसी दूसरी वीडियो पर आप लोगों को क्लियर करूंगा FPO किसान के बारे में। अब मुद्दे की बात करते हैं कि किन किसानों का जैकपॉट लगने वाला है जिनको 2000 से 4000 रुपए मिलने वाली हैं। देखिए जैसे कि खबर आज के डेट में सामने आया हम आप लोगों को बता दें, ज्यादा जानकारी आप हमारे टेलीग्राम पर भी पढ़ सकते हैं, लिंक हम आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त के लिए 22,000 करोड़ रुपये का प्रबंधन कर चुके हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार सरकार को 500 या 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ सकता है। कई सारे किसानों को 9वीं किस्त के पैसे नहीं मिल पाए थे, ऐसे सभी किसानों को नए साल पर एक साथ 9वीं और 10वीं किस्त के पैसे मिलने वाले हैं। इन किसानों के बैंक खाते में इस बार 2-2 हज़ार के बजाय 4-4 हज़ार रुपये जमा होने वाले हैं। कहने का मतलब किसान भाई लोग, उन किसानों का जिनको अभी तक 9वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है किसी कारणवश से, तो भाई ऐसे किसान भाइयों को 2 किस्त एक साथ मिलने वाला है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2-2 हज़ार के बदले उनको 4-4 हज़ार मिलेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि एक किस्त का 2000 रुपये मिलती हैं, तो अगर 2 किस्त एक साथ मिले तो उनको 4000 रुपये इस बार नए साल में मिलने वाली हैं। जिन किसान भाइयों का 9वां किस्त का पैसा अभी तक उनके खाता पर नहीं आया है, तो 9वां और 10वां दोनों एक साथ इस बार मिलने वाला है नए साल में 1 जनवरी 2022 को। जैसे कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसों को लेकर खबर आ रहा है, तो कल का दिन सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों के लिए बहुत ही खास होने वाला है भाई, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा का काफी लंबा समय से किसान भाई इंतजार करते हैं कि कब पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होएगा और किसान अपना खेती किसानी को और आगे ले जाएगा। कहने का मतलब देखिए, जो पैसा मिलते हैं किसान इस पैसों से अपने की खेती की तैयारी करता है, आने वाली फसलों का व्यवस्था करता है, खाद बीज पानी ये सारी चीजें व्यवस्था सुनिश्चित करता है भाई। वहीं किसान भाई लोग, और एक कॉमन क्वेश्चन इन दिनों ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि क्या EKYC अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों का पेमेंट नहीं मिलेगा। देखिए किसान भाई लोग, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे सरकार की ओर से ऐसे अब तक कोई ऑफिशियल घोषणा या फिर ट्विटर नहीं आया है जिसमें यह लिखा गया है कि अगर आप EKYC नहीं करते हैं तो आप लोगों को अभी का जो पैसा है 10वीं किस्त या 9वीं किस्त नहीं मिलने वाला है। देखिए सरकार की ओर से यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि जिन किसानों का EKYC नहीं हुआ उन किसानों को EKYC करना अनिवार्य है, जिससे कि सही और पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले। आप EKYC करवा लीजिए, जितना जल्दी करवा सकते हैं आपके लिए उतना जल्दी बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो बड़ी खबर आज के डेट में सामने आ रहा था किसानों के लिए, उसको हमने जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।